caught in the crossfire. नमस्कार, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल. सो वेलकम बैक टू अनदर वीलॉग ऑफ ट्रेंडिंग जोकर्स. सो आज हम आए हमारे एमपी की बहुत ही फेमस जगह है, धर्मराजेश्वर की गुफाएं, बौद्ध गुफाएं. यहाँ पे हम आए हैं और देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है पीछे. पीछे बतख काफ़ी अच्छी है, हमको एक्चुअल में डर भी लग रहा है क्योंकि ये अटैक भी करती है हम लोगों पे. सो देख सकते हो कितना अच्छा सीन है. और आज का वीडियो बनाने का पर्पस है ये भी है कि बहुत टाइम हो गया था तो आपस में आप लोगों से हाल चाल हमने नहीं पूछे आपके और आपने हमारे नहीं पूछे, तो आज ये वीडियो ऐसा भी हो जाएगा कि अब लोगों का अच्छे से इंटरेक्शन हो सके अपना. हमने देखा कि इस जगह का मतलब अच्छे से कोई किसी ने आज तक कवर किया नहीं, तो हम कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से आपको दिखाएं. ये जगह मतलब काफ़ी फेमस है, अभी तक इसको इतना अच्छे से कवर किसी ने किया नहीं. सो हम ट्राई करेंगे कि हमारा जितना लेवल हमारा बेस्ट होगा उस लेवल पे आपको वीडियो प्रोवाइड करें पूरा. और एक बार वो शॉट, वो जाते हुए का शॉट, एक बार पीछे शॉट देखिए आप कितना पीसफुल और कितना अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है. सो ठीक है, अब आपसे मिलते हैं अंदर. तो अभी जस्ट ये अब नीचे आए हैं और यहाँ पे अंदर शिव जी का मंदिर है जो भीम ने अपने हाथों से बनाया था, हम वहाँ पे जा रहे हैं अंदर. 17वीं शताब्दी में कुछ समथिंग कुछ बनाया था उन्होंने. सो अभी ऊपर छोड़ आपने देखे, अब जस्ट आप नीचे देखते रहिए. अभी आप देख रहे हो, ये बोलते हैं कि उन्होंने सब हाथों से बनाया है पूरा, उनके हाथ से. ये जितनी भी जगह इतनी ऊपर आप देख सकते कितनी हाइट है इसकी. और ये कोई भी मतलब कोई एडिशनल कुछ है नहीं यहाँ पे गवर्नमेंट की साइड से, बस ये जितना भी था ये पहले शायद कुछ दब गया था तो बस गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा पॉलिशिंग करके थोड़ा इसको सही किया है, बाकी एडिशनल कुछ किया नहीं है इसमें. जैसा था ये रो एज इट इज अभी भी है. बहुत ज़्यादा हाइट है यार. तो ठीक है, अब आपसे मंदिर के अंदर दिखते हैं, मंदिर के अंदर मिलेंगे. अभी हम मंदिर के अंदर आ ही चुके हैं, आप देख सकते हैं जैसा कि बहुत ही बेहतरीन लग रहा है अंदर आके. आप देख सकते हैं एक बार पूरा व्यू दिखाएंगे आपको 360 तक. देखिए जैसा मंदिर का जो गेट है हम बिल्कुल उसके बस उस ओर ही जा रहे हैं, तो आपको मंदिर के अंदर का भी दिखाएंगे. ये मंदिर एक्चुअल में है शायद शिव जी का मंदिर है. हाँ, और शिव जी का मंदिर है और ये शायद स्थापना भीम ने ही की थी यहाँ. हाँ, भीम जी ने उनके हाथों से बनाया था ऐसा कुछ कहते हैं यहाँ पे. सो ठीक है, मंदिर के अंदर मिलते हैं. कहावत के मान से चल रहा है, कहावत के मान से. तो मतलब भीम जी ने बनाया था ऐसा, कहावत के बने अपने हाथों से, कहावत चल रहा है. तो ये जैसा बना हुआ था अभी भी वैसा ही है कि यहाँ पे कुछ करवाया अलग से? टूट फूट तो रिपेयरिंग तो होती ही रहती है. भाई ये क्या छटर लगे हुए हैं, ये दरवाजे जो कोई ये छज्जे वज्जे, तो ये जैसा पत्थर है वैसा ही मतलब मैचिंग मिलाना पड़ता है पुरातत्व विभाग में. तो उनका जो अज्ञातवास था उसके दौरान बनाए. हाँ, ऐसे बताते हैं पुराने लोग. और पहाड़ी को काट कर बनाया गया है, पहाड़ी को काट हाथों से ही. पूरी एक ही पहाड़ी है, पूरी एक ही पहाड़ी. गुफा मंदिर सब ऐसे थे, यहाँ और भी गुफाएं 51 गुफाएं हैं गवर्नमेंट के आर्डर अंडर में, और वो 15-20 गुफाएं बुद्ध कालीन मूर्तियां वस्तु है, तो उनका टिकट चालू होगा अभी. बाकी मंदिर का कोई टिकट नहीं, मंदिर का कोई टिकट. और पहाड़ी को काट कर बनाया गया है, 8 मंदिर है, मंदिर है, गर्भ में शिव विष्णु है.
तो टिकट के लिए आप पीछे देख सकते हैं स्कैनर लगा हुआ है, बस यहाँ पे आपको आपका पेटीएम या जो भी यूपीआई वाला आपके पास ऐप है उस पर स्कैन करना है आपको, टिकट आपके पास आ जाएगा पेमेंट करने के बाद, वो सामने वो वहाँ पे जाके आपको खाली टिकट स्कैन करवाना, सब यहाँ पे ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है यहाँ पे। और ये टिकट मंदिर के लिए नहीं है, जो यहाँ की जो केव्स हैं, जो गुफाएं हैं, जो 0 से लेके 51 तक गुफाएं सब बोल रहे हैं, तो सारी गुफाओं को देखने के लिए ये टिकट है ना, मंदिर के लिए बिल्कुल टिकट नहीं है। अभी तक आपने प्रीवियसली जितना भी सीन देखा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट था विदाउट एनी टिकट, तो बस यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हो और आप फिर आप इंजॉय करें, आप गुफाएँ देख सकते हैं जाके। उधर मंदिर का पूरा हमने देखा और अब हम आ चुके हैं ये बौद्ध धर्म की गुफाएं जो बोलते हैं उस जगह पे हम आ चुके हैं। पीछे सब एक एक कर केव्स है, कोई आधे लोग बोलते हैं कि बौद्ध धर्मों द्वारा बनाई गई है 17वीं शताब्दी या ऐसा कुछ, और कोई बोलते हैं कि ये महाभारत काल की बनी हुई, जब भीम अज्ञातवास में, शायद आपने देखा होगा महाभारत में, तो उस टाइम भीम के द्वारा बनी हुई है। ये दो यहाँ के मिथ हैं या सच्चाई है पता नहीं, बट हाँ ये दो चीज़ों के बारे में दो मत होते हैं लोगों के। सो दोनों बोल रहे हैं कि क्या तो उन्होंने बनाई या उन्होंने बनाई, तो हमको एग्जैक्टली हमको भी पता नहीं है, बट आप तो बस सिर्फ इन्जॉय कीजिए जो भी हम आए हैं आपको दिखाने के लिए। ये जो जगह हम खड़े हैं यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है, इसको भीम बाजार बोलते थे इसको, यहाँ पे कहीं कहीं लिखा हुआ है उसके बारे में। आगे वहाँ पर ऐसी भी जगह है जहाँ पर भीम की काफ़ी बड़ी सी कुछ मूर्ति बोल सकते हैं, कुछ सोते हुए, जिसको अगर अपन एक साइड से अपने हाथों से नापते हैं तो 51 हैंड को आती है, और दूसरी साइड से नापते हैं तो 52, एक हाथ कुछ बढ़ जाता है पता नहीं कैसे। आगे आपको दिखाएंगे तो ठीक है, मिलते हैं आगे। घूमते घूमते हमको फाइनली जो हम बता रहे थे यही मूर्ति है जो भीम की बोलते हैं। हाँ, जिसको अगर आप पीछे देख रहे होंगे वीडियो में, इस मूर्ति को एक साइड से नापते तो 51 हैंड जाती है और दूसरी साइड से नापते तो 52, और अंदर काफ़ी चमगादड़ वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा है, तो वो भी आ रही है, स्मेल काफ़ी आ रही है। आप लोग आए तो प्लीज़ ग्रुप में ही आए, कभी आप आना चाहें तो। तो बस यही थी, काफ़ी सारी यहाँ पे बौद्ध धर्म की भी मूर्तियाँ हैं, और ये बोलते हैं कि भीम की मूर्ति और 51 हाथ ऐसे नापने की बोलते हैं, ना कि वो पूरे हाथ ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे नापते जो। तो ठीक है, अब मिलते हैं आगे, कुछ और बताते हैं। तो आपने देखा पूरी तरीके से धर्म राजेश्वर का मंदिर, और ये काफ़ी गुफाएं, 50 से 51 गुफाएं, छोटी छोटी गुफाएं हैं, सब हमने घूमा, बहुत अच्छी जगह। एक बार तो विजिट बिल्कुल बनता है यहाँ पे आना बिल्कुल। यहाँ पर एक्चुअल में इतना क्राउड आता नहीं है, यहाँ पर जो एक्चुअल क्राउड है सब बोलते हैं कि शिवरात्रि के टाइम पे कुछ ज़्यादा क्राउड आता है, अभी इतना क्राउड है नहीं, बट उसके बाद भी ये जगह इतनी मेंटेन कर रखी है, इतनी सफाई, क्लीननेस एवरीवेयर। अभी भी ओनली हम 3 पर्सन ही है सब, बस यहाँ पे कोई भी नहीं। और हाँ, अभी इस टाइम पे हम 3 लोग ही यहाँ पे हैं, और फिर भी इसका टिकट फेयर ओनली 20 रुपीज़ है, वो भी इन गुफाओं का सिर्फ 20 रुपीज़ है, मंदिर का तो कोई भी नहीं है। यहाँ के लिटरली ये सब बोले कि जो कलाकृति है, हिंदी में बोलते हैं, काफ़ी देखने लायक है, मनमोहक है। तो इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि वो भी देख पाए कि कितना अच्छा है अपने MP के अंदर भी। बिल्कुल, ये मंदसौर से कुछ 60-70 किलोमीटर दूर है, आपको डिस्क्रिप्शन में हम पूरा एड्रेस बता देंगे, और रास्ते में भी जब आप आएंगे तो भी आपको काफ़ी अच्छा एक पीसफुल नेचर का व्यू अच्छे से मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें, जो करना है वो करते रहिए। ठीक है, बाय, गुड बाय।